और मेरे चटरों, कैसे हो आप? आप में से बहुत जने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यमन बिरयानी बनाकर दिखाओ। आज हम लोग बनाएंगे दम बिरयानी हैदराबाद स्टाइल में। ये देखिए, हम लोग की हैदराबादी बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनी है। एक एक चावल मोती जैसे अलग अलग है ना? तो वीडियो शुरू करें। यहाँ पर मेरे पास दही है, आधा कप दही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो थोड़ी गाढ़ी दही है। इसमें हम लोग डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जितना ही लाल मिर्च पाउडर है। अब हम लोग इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, ये मैं पैकेट का मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ आज। इसके बाद हम लोग इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा के बीज डालने के बाद आप देख सकते हो मैंने अभी डाली है हरी मिर्च। अब हम लोग इसमें डाल देंगे नमक। इसमें एकदम हैदराबादी फ्लेवर लाने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे धनिया पुदीना। पुदीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। अब हम लोग इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैं आधा चम्मच हल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन सभी को अच्छी तरह मिलाकर इसका एक मैरिनेट तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, रंग भी बिल्कुल बढ़िया आया है, थिकनेस भी एकदम बढ़िया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे सब्जियाँ। यहाँ पर मेरे पास है ना 1.5 से 2 कप जितनी सब्ज़ी है। इसमें है गाजर, इसमें बीन्स भी है, आलू भी है, और साथ ही में थोड़ी सी पनीर भी है। आप चाहो तो इसमें गोभी भी डाल सकते हो। इन सभी सब्जियों को हम लोग एकदम अच्छी तरह इसके साथ मिला देंगे। अब इसको कोने में रख देते हैं और पानी के पास आते हैं। यहाँ पर मैंने 6 से 7 बड़े कप पानी गर्म करने रखा है। जैसे ही पानी गर्म होना स्टार्ट होता है हम लोग इसमें डाल देंगे जीरा, 1 चम्मच जीरा है ये। जीरे के साथ साथ हम लोग इसमें डाल देंगे नींबू का रस, ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा चम्मच जितना नींबू का रस है। तेल भी डाल देंगे हम लोग इसमें, 1 बड़ा चम्मच तेल है। तेल के बाद में हम लोग इसमें डाल देंगे नमक। अब इसको अच्छी तरह उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। नींबू डालने से क्या होता है, चावल जो है वो एकदम है ना मोती जैसे खिल खिल कर बनता है। ये देखिए पानी उबलने के बाद पानी का रंग भी थोड़ा सा बदल गया है, एकदम बढ़िया लग रहा है। जीरे ने बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे दिया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे चावल। मैं यहाँ पर बासमती चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये लंबे वाले चावल है तो बासमती चावल से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिजा दिया था। ध्यान रखिए भीजा हुआ चावल ही इस्तेमाल करिएगा। चावल इसमें डालने के बाद हम लोग इसको तेज़ आंच में उबालने के लिए रहने देंगे। इसको ज़्यादा मिक्स मत करिएगा, बस पड़े रहने दीजिएगा। अगर ज़्यादा मिक्स कर दोगे तो चावल की लेंथ कम हो जाएगी, मतलब चावल टूट जाएंगे। ये देखिए जैसे ही इसमें एक उबाल आना स्टार्ट होता है ना, जैसे अभी आ रहा है, ये बिल्कुल तैयार है। ये चावल को बिल्कुल भी पूरा नहीं पकाना है। चावल पूरा पानी में नाचने लग गया है और बिल्कुल आधा पक चुका है। आपको अगर टेस्ट करना है तो आप है ना 2-3 पीस खा सकते हो या फिर उंगली से तोड़कर देख सकते हो। अगर वो 2 टुकड़े में टूटता है तो ठीक है, बन गया है। अब हम लोग इसको छान लेंगे। चावल छानने के बाद मैं इसको एक बार प्लेट में फैला रहा हूँ। फैलाने से क्या होगा, चावल एकदम इवनली आराम करेगा। लेकिन चावल को ज़्यादा देर आराम करने भी नहीं रखना है, तो फटाफट हम लोग सब्ज़ी के पास जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है कुकर। कुकर को मैंने गरम करने रख दिया है और कुकर आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा साइज़ का है। इसमें हम लोग डाल देंगे घी। मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जितना घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिरयानी बिना घी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है दोस्तों। घी का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है तो घी इस्तेमाल करिएगा। जैसे ही घी थोड़ा गर्म होता है हम लोग इसमें डाल देंगे जीरा। आप चाहो तो इसमें शाही जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने नॉर्मल वाला ही किया है। जीरा के साथ ही में हम लोग इसमें डाल देंगे काजू। आप देख सकते हो है ना, काटे हुए काजू है ये। काजू के साथ साथ मैंने इसमें थोड़े से गरम मसाला भी डाल दिया, जैसे इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, लौंग हो गई। तो ये 2-3 चीज़ मैंने डाल दी है। अब इसको एकदम लो फ्लेम में 2-3 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हो कैसे ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है, एकदम बढ़िया तरीके से सिक चुका है काजू, है ना, रंग अच्छा आया है और है ना मसालों की भी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच डाल दिया। इसको फटाफट चला देता हूँ। एक बार चलाने के बाद आप देख सकते हो काजू का कलर कितना बढ़िया आया था ना। इसको है ना अच्छी तरह पकाना है हम लोग को, जिंजर गार्लिक पेस्ट को। हम लोग का जिंजर गार्लिक पेस्ट पक चुका है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे सब्जियाँ जो हम लोग ने पहले मसाले में लगाई थी ना, वो सारी सब्जी हम लोग इसमें डाल देंगे। सब्जी डालने के बाद 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे फिर से। सब्जियों को कच्ची रखनी है, वो याद रखना, पूरा मत पकाना। आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया दिख रही है, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी बन गई है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे बिरिस्ता। अब आप बोलोगे ये बिरिस्ता क्या होता है? दोस्तों तला हुआ प्याज है बेसिकली, मैंने प्याज को तल लिया था, वो हम लोग इसमें डाल रहे हैं। इससे बहुत ही मीठा फ्लेवर आता है और ये एकदम इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा।
ये देखिए मैंने बिरिस्ता डालकर भी अच्छी तरह चला दिया है और इसको पका लिया है, दिखने में बढ़िया लग रहा है और थोड़ा सा ड्राई हो गया है ना। ड्राई होने की वजह से हम लोग इसमें फिर से दही डालेंगे, आधा कप दही है यहाँ पर मेरे पास। दही डालने के बाद एक बार फिर से मिलाएंगे, अब देखने में बढ़िया लग रहा है ना। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो बिरयानी चिपक के जल जाएगी। आप देख सकते हो कैसे पानी उबलने लग गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम लोग चावल। तो चावल हम लोग ने उबाल कर प्लेट में फैलाए थे, वो ही इसमें डालकर फैला देंगे। अभी मैं जैसे फैला रहा हूँ, आप देख सकते हो चावल कैसे वो सब्ज़ी का कलर पकड़ रहा है। इसी रीज़न की वजह से ये बिरयानी दो कलर की बनेगी। मैंने लगभग आधे चावल अच्छी तरह फैला दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी के बचे हुए बिरिस्ता डालेंगे, मतलब तले हुए प्याज डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था। वो डालने के बाद अच्छी तरह फिर से बाकी के चावल डालकर फैला देंगे। ये देखिए सारे चावल मैंने डाल दिए हैं और अच्छी तरह फैला दिए हैं। अब क्या बचा है, फिर से बिरिस्ता बचा है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग वो तला हुआ प्याज थोड़ा सा और डाल देंगे, उसी के साथ में केसर डाल देंगे। मैंने केसर को पानी में भिजा दिया था, एकदम ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं डालना है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो। और साथ ही में 1 चम्मच घी डाल देंगे, घी बिना बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। पूरी लेयरिंग कर दी है हम लोग ने, दम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर इसको 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे पकाएंगे। लेकिन 2-3 मिनट में तो कच्ची रहेगी बिरयानी। अरे दोस्तों इसको बहुत देर तक पकाना है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप इसको तवे में पका सकते हो, मतलब आप है ना ये कुकर को तवे के नीचे रख के सेक सकते हो 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप इसको बेन मेरी में पका सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ये पानी डाल रखा है थोड़ा सा, इसके ऊपर आप कुकर रख दीजिए। अब इसको 25 से 30 मिनट के लिए आराम से बनने दीजिए। आप देख सकते हो कैसे पानी उबल रहा है। इसको 25 से 30 मिनट पकाने के बाद बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार होगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको 5-10 मिनट ऐसे ही रहने देता हूँ। उससे क्या होता है, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है तो उसके फ्लेवर और बढ़िया आते हैं। आप देख सकते हो मैंने अभी बिरयानी खोली है, देखने में एकदम लाजवाब लग रही है। ये हैदराबादी बिरयानी है तो इसको आपको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही सर्व करना है। तो कोने में आपका ये चम्मच डालिए, निकालिए और इसके लेयर सर्व करिए। ये देखिए हम लोग की बिरयानी बहुत ही अच्छी तरह पकी हुई है, मसाले भी एकदम बढ़िया है और साथ ही में एक एक चावल का दाना मोती जैसे खिला हुआ है, तो है ना बढ़िया। बिरयानी बनकर तैयार है, देखने में एकदम स्वादिष्ट लग रही है। इसके साथ क्या अच्छा लगता है आपको पता है, एक तो रायता और उसके साथ मिर्ची का सालन या फिर बैंगन का सालन। अगर आपको सालन सीखना है तो मुझे बताइए, मैं जल्दी उसका वीडियो भी डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करना। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करना। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबाना है, फिर उसके बगल में फिर एक घंटी आ जाएगी, घंटी को भी एक बार दबाना है। उससे क्या होगा, आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय।